नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र गुरु साइंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपको आज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था पढ़ा पाऊँ। और माय नेम इज पुष्कर सिंह सामंता, एमए नेट इन पॉलिटिकल साइंस। और ज़्यादा परिचय आप करते रहेंगे, चैनल पे मिलते रहेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान की बेसिक, जो संविधान में क्या क्या शामिल है। एक छोटा सा पॉइंट लेंगे हम, अनुसूचित यूनिटी लेंगे, उस यूनिटी के सारे जो पर्सन बनते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अपन को जो चीज़ पढ़नी होती है उसमें अपन को ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की बात करें तो वैसे संविधान की परिभाषा में देखें तो संविधान कहते हैं किसे, संविधान कहते हैं किसे है और किस प्रकार से ये संविधान बना है। बेसिकली संविधान की अवधारणा आई कहाँ से ये भी ध्यान रखना है, और संविधान का मतलब क्या होता है इस चीज़ की भी अपन चर्चा करेंगे। और संविधान की जो बेस आधार है उनसे निकल के आएंगे। और भारतीय संविधान में हर देश का एक संविधान होता है। संविधान जिन जिन राष्ट्रों का बना उनसे पहले जो शासन व्यवस्थाएँ थी उनमें भी नियम और कानून कायदे थे जो लागू किए जाते थे, चाहे पर्टिकुलर राजा महाराजा से संबंधित हो। एक राजा होता था, शासन के नियम होते थे, उन नियमों को बदलाव हो जाता था। जैसे राजा शासन चला जाता वो नियम भी बदल जाते उसके साथ ही। लेकिन बाद में एक बेसिक भूमिका बनी इंग्लैंड में, जिसमें एक नियम बना दिया दस्तावेज के रूप में कि हमेशा पर्टिकुलर शासक चला जाए, राजगद्दी चली जाए, लेकिन वो नियम हमेशा बने रहने चाहिए, परिस्थिति अनुसार वो बदल भी सकते हैं। अब देखो बेसिकली संविधान कहते हैं किसी को, संविधान का तात्पर्य कुछ है तो संविधान एक नियमों का क्या है संग्रहण, बेसिकली नियम है, नियमों या कानून कह सकते हो, लॉ कह सकते हो। कानूनों का क्या है एक समूह, एक समूह भारतीय संविधान में 395 इन 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, एक प्रस्तावना, इनको शामिल किया गया है, उनको क्या कहा जाता है संविधान कहा जाता है। बेसिकली तीनों चीजें शामिल होंगी। संविधान का मतलब है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, दूसरी बात अनुसूची है वो भी प्रस्तावना इसके अंग है संविधान का, और बेसिकली जो आपके अनुच्छेद हैं वो भी संविधान में शामिल होते हैं। दूसरी बात है कि संविधान की अवधारणा किस देश से आई, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले विश्व में अमेरिका देश में ये संविधान लिखित रूप में दस्तावेज में आया। विश्व में अमेरिका है उस देश में 1789 को, 1789 को फिर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें संविधान को लिखित रूप में दिया गया। बेसिकली इंग्लैंड का जो संविधान है सबसे प्राचीन है, लेकिन कभी लिखा हुआ नहीं है दस्तावेज के रूप में, पहले से अवधारणा चली आ रही 1215 से अवधारणा। उसके बाद बात करें तो सर हेनरी मेन ने इस शब्द का प्रयोग किया, सर हेनरी मेन इस संविधान शब्द का प्रयोग किया जो ब्रिटिश नागरिक था जिसने संविधान की अवधारणा। तो संविधान की बेसिकली पूरी परिभाषा में देखा जाए कि संविधान है क्या और कैसे क्या परिभाषा दे सकते हैं, तो एक देश की शासन व्यवस्था, पर्टिकुलर एक देश की, हर देश का अपना अपना अलग संविधान है, भारत है, अमेरिका है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो हर राष्ट्र का क्या अपना अलग संविधान है। तो एक देश की शासन व्यवस्था, एक देश है उस देश की शासन व्यवस्था, उस देश की क्या चलानी है शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था को किस रूप से चलाना है, एक अच्छे रूप से, इसका मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आपने क्या बनाया है, जो नियम बनाए, जो नियम बनाए कायदे का कायदे कानून बनाए, उन नियमों का अपन ने एक लिखित रूप में क्या किया दस्तावेज इकट्ठा किया कि समूह, यानी पवित्र नियमों का जो संग्रहण किया उस समूह को क्या कह सकते हैं अपन, उसको बेसिकली संविधान कह सकते हैं। और भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे तो भारतीय संविधान का मतलब है यहाँ पर अपन देखेंगे भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान का है तात्पर्य क्या, तो भारतीय संविधान का तात्पर्य है कि इसमें किस चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो भारतीय संविधान में मेन रूप से एक तो प्रस्तावना है आपके उद्देश्य का प्रीएम्बल्स है, प्रस्तावना के अलावा दूसरी बात है इसमें आपको अनुसूचियाँ हैं उनको भी काउंटिंग की जाएगी, अनुसूचियाँ यूनिटी इनको भी शामिल किया जाएगा। और तीसरी बात है कि 395 जो आपके अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को भी क्या किया जाता है शामिल किया जाता है, एक प्रस्तावना है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 क्या है आपके अनुच्छेद, इन सब से मिलकर आपका भारतीय संविधान बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है संविधान का तात्पर्य क्या है, तो संविधान नियमों और कानूनों का एक
समूह है उसको संविधान कहेंगे। सबसे पहले अमेरिका में 1789 में लिखित रूप से संविधान बना। सर हेनरी में ब्रिटिश नागरिक ने संविधान शब्द का प्रयोग किया। संविधान में एक देश की शासन व्यवस्था को एक अच्छे रूप से पवित्र रूप से या सुचारू रूप से बनाने के लिए नियम बनाए गए हैं उनको समूह संविधान कहा जाता है। संविधान में किन किन बातों को शामिल किया जाता है? बेसिकली एक प्रस्तावना है, एक अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। अपन जो चर्चा करेंगे उसमें एक टॉपिक ले लेते हैं जिसमें एक प्रस्तावना है आपके उद्देश्य का, उसी पर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अनुसूचियों की एक लिस्ट होती है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है प्रस्तावना है उद्देश्य का। उद्देश्य का प्रस्तावना होता क्या? पहली बात, प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जो एक देश की शासन व्यवस्था कैसे होगी, कैसे उसको चलाया जाएगा, उसके लिए पहले एक पृष्ठभूमि बनाई है। पृष्ठभूमि के कहावत भी गांव में कि घरों की शोभा बाड़े कह देते हैं, तो देश की शासन व्यवस्था कैसी है वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं किससे? प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना आपने जो देखी वो 1919 के अधिनियम में थी। 1935 की में अधिनियम में भी 1919 वाले अधिनियम को प्रस्तावना को शामिल किया गया। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तो प्रस्तावना को अपने शामिल किया। लेकिन ये प्रस्तावना उद्देश्य का होती क्या है? एक संविधान की आत्मा, आपका जो संविधान बना हुआ है भारतीय संविधान, उस संविधान की एक तरह से आत्मा, एक तरह से सोल है, यानी उस देश की क्या क्या है उस संविधान की आत्मा कैसे है बेसिकली, जिसमें ये दिखाई देता है भारत की शासन व्यवस्था। तो इसमें कुछ शब्द हैं और प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रस्तावना से कुछ ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जैसे प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में टोटल कितने शब्द हैं, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, ये प्रश्न बनता है कुल शब्दों की संख्या की जाए तो 386 जो शब्द हैं वो हैं। बाद में इन तीन शब्दों को और जरा गया तो 89 शब्द हैं। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उस प्रस्तावना को विधानसभा में रखा गया तो नेहरू जी द्वारा रखा गया था कि प्रस्तावना को, मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावना को अपने संविधान सभा में शामिल किया जाए। तो पंडित जी नेहरू थे, इन्होंने एक प्रस्तावना रखी। और तीसरी बात है कि प्रस्तावना जो रखी उसके बाद उसको स्वीकृति मिली। प्रस्तावना बेसिकली जो अधिवेशन चल रहा था तो तीसरा अधिवेशन था 13 दिसंबर 1946, इस दिन प्रस्तावना को रखा गया। और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को अंतिम रूप से भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, अनुमति दी। और नेहरू जी ने यह भी कहा था कि ये मेरा प्रस्ताव है कि उद्देश्य का इन प्रस्तावना को शामिल किया जाए। तो इसका मतलब है प्रस्तावना पे विवाद उठे, विवाद उठे बिल्कुल बड़े देश में प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो यस प्रस्तावना संविधान का क्या है अंग है। ये विवाद उठा 1916 में, ये विवाद उठा 1960 में बेरुबाड़ी केस में, प्रस्तावना को अंग माना गया संविधान का। ये अपन ने पहले देख लिया कि संविधान का तात्पर्य क्या है, प्रस्तावना अनुसूचियां और अनुच्छेद सबका समूह है, क्या कहलाता है प्रस्तावना बेसिकली। फिर आगे प्रश्न बनता है ये तीन शब्द हैं, वो तीन शब्द कौन कौन से, अधिकतर एग्जाम में पूछा हुआ है। आप चाहे पटवारी ले लो, राजस्थान पुलिस ले लो, यहाँ तक कि RS मेंस भी ले लो, और आजकल ट्रेंड चल रहा है IAS के एग्जाम में एक प्रस्तावना से शब्द प्रश्न आता है हमेशा। ये तीन शब्द हैं वो कौन से हों, और कर्म भी ध्यान रखना है, कर्म कौन से लेता है, तो ये ध्यान रखना है तीन शब्द हैं। बेसिकली शब्दों की संख्या है वो कुल 89 है, ये जिसी नेट में पूछा। तीन शब्द आपके राजस्थान पुलिस में दो बार पूछ लिया, तीन शब्द कम जुड़ेंगे कि संविधान संशोधन से जुड़ेंगे। दूसरी बार एग्जाम में आए कि कर्म बताओ, ये भी पूछ सकता है। सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में RPSC का बड़ा फेमस है प्रस्तावना से ये संशोधन से संबंधित पूछता है। इसमें बेसिकली ये रखा है यहाँ पर जो शब्द है तीन शब्द हैं जो है, एक समाजवाद, एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, एक शब्द है अखंडता। ये तीन शब्द हैं जो प्रस्तावना विभाग में जुड़े हुए, ये तीन शब्द हैं, ये कर्म भी है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और पंथ अखंडता, ये तीन शब्द हैं जो आपको प्रस्तावना में समझ। अब इन तीन शब्दों को जोड़ने का जो कार्य था इस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, संविधान संशोधन 1976 में
सरकार के समय, इंदिरा गांधी सरकार के समय, इंदिरा गांधी सरकार के समय ये जोड़े गए तीन शब्द, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो वैसेकृत हैं क्या और कौन से शब्दों से, एक एक शब्दों से एक एक प्रश्न भी बनता है। प्रस्तावना को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया, कब लागू किया गया, तो वो तारीख आपकी पूछता है वो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना की जो अंतिम बाकी है उनको क्या कर दिया गया, स्वीकार किया गया, जिसको अंगीकार किया गया। अधिनियमित आत्मकृत जो शब्द है वो ये कहते हैं कि प्रस्तावना को अपने संविधान के रूप में शामिल कर लेगा, जो संविधान बना। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और दूसरी बात है कि प्रस्तावना है उसमें जो शब्द है उसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं आदर्श वाक्य के रूप में जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रस्तावना आपको कंटिन्यू याद भी होनी चाहिए कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनका ढांचा है वो भी बना हुआ है। तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो हम भारतीय लोग शब्दों से शामिल होती है, ये शुरू होती है हम भारतीय लोग, ये शब्द हैं, ये शब्द अपन ने जो शब्द हैं वी द पीपल, तो इसका मतलब है कि हम भारतीय लोग, इसका मतलब सारे संपर्कता किसमें नहीं है, भारतीय लोगों में नहीं है, भारत के लोगों में, ये तस्वीर का प्रश्न है। तो इसमें ये जो शब्द है वो किस देश से लिए, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए तो ये अमेरिका देश से लिए हुए शब्द है वी द पीपल, हम भारत के लोग, यानी इसका मतलब इस संविधान सभा ने या इस प्रस्तावना को पूरे संविधान का ढांचा है एक तरह से वो आत्मा ने, उस आत्मा को भारतीय जनता ने क्या बनाया, निर्मित किया है, उसको अनुमति दी है, उसको स्वीकार कर रहा है। दूसरी बात, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की आपको यदि पूछी जाए भाषा किस देश से ली है, तो प्रस्तावना की भाषा में आंसर आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया से आता है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली, भाषा ये प्रस्तावना की अगर वैसे भी ढांचा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका आंसर आता है अमेरिका, इसका ढांचा अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना में कुछ ऐसे आदर्श वाक्य हैं, उन आदर्श वाक्यों को अलग अलग देशों से, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाले बात हैं वो फ्रांस देश से ली है, तो अलग अलग शब्द अलग अलग जगह से अपने इकट्ठे किए और फिर एक निचोड़ निकाला भारतीय संविधान का। तो अपन ने ये देखा आज कि यहाँ पर संविधान है, संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का जो आत्मा कहलाती है। दूसरी बात, सबसे पहले प्रस्तावना को ये किसने कहा कि प्रस्तावना है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना शामिल होनी चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि प्रस्तावना को शामिल किया जाए, मेरा प्रस्ताव देशिका को शामिल किया जाए। 13 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तीसरी बात याद ये कि इसको 12 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को शामिल किया गया। प्रस्तावना इसका मतलब संविधान में अंग है, तो प्रस्तावना को क्या कर दिया, अंग के रूप में शामिल कर लिया। फिर प्रस्तावना में कुछ शब्दों की संख्या पूछी जाए तो 86 मूल रूप से थी और 3 शब्द बाद में जोड़े तो 89 हो गई। 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला समाजवाद, दूसरा पंथ, तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द क्रम से जुड़े गए, 42वें सिद्धांत संशोधन में जुड़े गए और 1976 में जुड़ा गया और इंदिरा गांधी सरकार के समय जुड़ा गया। प्रस्तावना बनाने के बाद जो प्रस्तावना बनी, तो प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति में बंधुता की भाईचारा स्थापित करने के लिए आज संविधान सभा की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मर्पित करते हैं। ये वाक्य है पर्टिकुलर, ठीक है, जो बड़ी लैंग्वेज है उसमें एक ही शब्द में काउंटिंग होता है और इसको 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके जो शुरू के वाक्य हैं हम भारत के लोग, ये अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का ढांचा अमेरिका से लिया गया। अब यहाँ से बड़े फेमस प्रश्न बनते हैं, उनमें और क्या बन सकते हैं, तो ये देखेंगे प्रस्तावना से और क्या शब्द बन सकते हैं। प्रस्तावना बेसिकली एक छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं प्रस्तावना से, ये भी ध्यान रखना है। प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना जो आपको
संविधान में ली है उसमें कह रखा है कि एक एक वाक्य से एक एक बनता है। जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यह आदर्श वाक्य क्या कहता है कि अंतिम स्वीकृति यानी सारी शासन व्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता ही आपके संविधान का निर्माण करने वाली है, जनता ही इसमें संप्रभु है, जनता को शासन व्यवस्था दी गई है। प्रस्तावना में फिर आगे जो शब्द है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु, भारत शब्द का प्रयोग भी पूछ लिया जाए, प्रश्न आया हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो दो बार, कितनी बार, दो बार भारत शब्द का प्रयोग पूरी प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत को, उसके बाद भारत शब्द का उल्लेख नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाज, यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व तो इसका मतलब संप्रभुता शब्द का उल्लेख है, संप्रभुता का मतलब है व्यक्ति आंतरिक और बाह्य क्षेत्र, दो शब्द है, एक आंतरिक और एक शब्द है बाह्य, बाह्य क्षेत्र में क्या है, सफलता है। दोनों रूपों में भारत अपने आंतरिक निर्णय होते हैं भारत के, तो अपने आंतरिक मामलों में भारत सर्वोच्च है, दूसरा भारत बाह्य नियंत्रण है तो बाह्य मामले हैं, उन बाह्य मामलों से भारत क्या है, मुक्त है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने वैसे राष्ट्र नहीं है, जो दूसरा देश गए वैसे भारत को करना पड़े। तीसरी बात इसका मतलब है भारत संप्रभु अपने आप में सुप्रीम है, सर्वोच्च है, भारत अपने आप में सर्वोच्च है, इसका निषेधन आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में क्या है, सर्वोच्च है। एक शब्द आता है बेसिकली समाजवाद, समाजवादी ये प्राचीन अवधारणा से चलती है, समाजवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है, समाजवाद का मतलब है आपके उत्पादन, उत्पादन और वितरण के साधनों पर, इन सब पर किसका स्वामित्व हो, समाज या फिर राज्य का स्वामित्व, समाज कैसे कहें या फिर राज्य का क्या हो, उत्पादन और वितरण दोनों पर, यानी सरकार जो राज्य है उसमें जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन और फिर सरकार वितरण करे, जैसे उचित मूल्य की दुकानों के आधार पर कम कीमत पर जिनको देती, तो हर चीज में क्या है, समाजवादी अवधारणा यहाँ पर भारत समाजवाद का था, वर्तमान में पूंजीवाद की ओर झुकाव है, तो समाज उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य या समाज का स्वामित्व प्रभाव होना चाहिए। फिर एक शब्द आता है यहाँ पर पंथ निरपेक्षता, शब्द देखा पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो भारत धार्मिक मामलों में सर्वोच्च है, या धार्मिक मामलों की बात करें तो धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत धार्मिक मामलों में क्या है, स्वतंत्र, ये भी ध्यान रखिए। धर्म निरपेक्षता का मतलब है पंथ निरपेक्षता कैसे है, सर्कुलरिज्म, और एक शब्द है रिलीजन, रिलीजन में धर्म है और सर्कुलरिज्म का मतलब पंथ है, और इसमें स्वतंत्र है कि भारत की किसी भी धर्म को हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, तो धर्म के आधार पर कोई किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, भारत किसी के धर्म के मामलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, धर्म क्या है, धर्म धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, किसी धर्म को पोषित नहीं करेगा राज्य, ये ध्यान रखना है, भारत एक राज्य है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गणतंत्र की बात करें, शब्द आता है गणतंत्र, गणराज्य, तो गणतंत्र का मतलब है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं हो, तो ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, तो गणतंत्र शब्द का है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित होता है, पर्टिकुलर जनता द्वारा वोटों के माध्यम से क्या होता है, उनका निर्वाचित, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हो सकता है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। बड़ी फेमस प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न स्टेट आरपीएससी के एग्जाम है, उस आरपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हम भारतीय लोग हैं वो भी आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। उसके बाद शब्द आता है यहाँ पर न्याय, न्याय की बात करें, न्याय तो न्याय शब्द दे रखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो न्याय का मतलब है जस्टिस, और जस्टिस का मतलब है जरूर, समाज की मुख्य धारा से कोई व्यक्ति अगर छूट जाता है तो उसको समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ा जाए, तो न्याय, तो हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों में सबको अधिक
आगे शब्द है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता का मतलब एक व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता देने की बात की जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता में सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है जिसमें व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर सकता है, एक व्यक्ति वहां तक छिड़ी घुमा सकता है जो दूसरे के हस्तक्षेप न करे, मतलब उसको उतनी स्वतंत्रता है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता का क्या नहीं कर सके, हनन नहीं कर सके। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, ठीक है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, धर्म, उपासना, इन सबकी स्वतंत्रता देखिए। फिर है समानता, इक्वलिटी। समानता की बात करें तो समानता से क्या तात्पर्य है, तो समानता में सब लोग बराबर होने चाहिए, सबका हित बराबर होना चाहिए, वो समानता से है। एक है बंधुत्व कह सकते हैं या भ्रातृत्व भावना कह सकते हैं, भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना है वो भ्रातृत्व की भावना से संबंधित है। और एक शब्द है अखंडता, भारत की एकता और अखंडता की बात करें तो भारत की कभी भी विभाजन नहीं होगी, भारत अपने टुकड़े नहीं हो सकता। अभी हाल ही में जो आर्टिकल था 370 उस अनुच्छेद में भी थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को अलग राज्य नहीं बना सके क्योंकि भारत अखंड है। कितनी मांग करें वो भारत का ही क्या है, एक अंग है, अंतिम रूप से स्वीकृति दी है तो अलग नहीं हो सकता, उसको ट्रांसलेशन किया जा सकता है राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित से राज्य प्रदेश बनाया जा सकता है, लेकिन रहेगा वो भारत का ही, ये ध्यान रखें। और लास्ट में प्रस्तावना को है जो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, इसकी अंतिम स्वीकृति दी। तो इसके अंतिम वाक्य है जो कौन सी वाक्य पूछ सकता है, यहाँ पर अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मार्पित करते हैं, ये प्रस्तावना के अंतिम वाक्य हैं, इनका क्रम भी ध्यान रखना है। तो अपन ने जो आज चर्चा की किसकी की है, बेसिकली प्रस्तावना की है जिसको उद्देशिका भी कह सकते हैं। इसमें जो शब्द है भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, वो दो बार हुआ है। हम भारतीय लोग वी द पीपल, तो ये वाक्य अमेरिका से लिया जिसका अंतिम वाक्य है कि जनता ही क्या होगी इसकी स्वीकृति होगी, स्वीकार करती है। दूसरी संप्रभुता सॉवरेनिटी सुपर प्लस एना सदस्य बना है। आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में कौन सर्वोच्च है, भारत सर्वोच्च है। दोनों मामलों में कौन सर्वोच्च है, भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में क्या है, सर्वोच्च है। जैसे व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का मालिक होता है। दूसरी है समाजवाद, समाजवाद का मतलब उत्पादन और वितरण के साधनों पर, ये अवधारणा बेसिकली यूएसएसआर की है, सोवियत संघ की। तीसरा है कि यहाँ पर पंथ निरपेक्षता, धार्मिक आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। फिर एक शब्द है जो आरपी से का पड़ा है, वैसे गणतंत्र या गणराज्य, तो इसमें यह ध्यान रखना है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वंशगत रूप से नहीं चुना जाता, उसको गणराज्य कहते हैं। वोटों के माध्यम से वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा भी चुना जा सकता है। ऐसे न्याय शब्द को जुड़ना जस्टिसिया, तो इसमें न्याय शब्द का उल्लेख किया गया और न्याय में ये दिखाया गया कि किसी एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ना, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के अंदर। तीसरी यहाँ पर शब्द आया स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो स्वतंत्रता सकारात्मक है, उसका पक्ष लिया गया है स्वतंत्रता का। नेक्स्ट ध्यान रखना है समानता, तो समानता में भी आप ध्यान रखना है, सब लोगों को समानता में ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पर भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना, तो भ्रातृत्व शब्द का उल्लेख है, तो भाईचारा आपस में रखा जाए, भाईचारा रखा जाए आपस में। और उसके बाद ये है कि लास्ट अखंडता, तो अखंडता शब्द का उल्लेख मतलब है कि भारत का कभी भी कोई टुकड़ा विभाजित नहीं होगा, भारत चाहेगा तो अनुसूची है अपन जो कल चर्चा करेंगे अनुसूची की, और उस पर बता देंगे कि अखंड विभाजन नहीं हो सकता, अनुच्छेद 2 में रखा गया। तो आज अपन ने दोस्तों सभी जो महत्वपूर्ण प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनकी चर्चा की है, आप जिनको या तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इनका। बाकी कल अपन प्रस्तावना के बाद एक अनुसूची वाला टॉपिक है, उसके बाद आर्टिकल में महत्वपूर्ण उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन पॉइंट से समझेंगे हर तरह से। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इतना मौका दिया मुझे सेवा का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, तो इस तरह से हमें खुशी मिलती है इस चीज़ से। आप धन्यवाद।